अस्सलाम वालेकुम मोजिज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इस गोल के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया। मौजूदा दौर में तर्ज ज़िंदगी क्या बदला है, इंसान खुश खुराकी और अदम वर्जिश की वजह से बीमार होने लगा है। ये बीमारी इजाफी और गैर मुनासिब ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से पैदा होती है, ख़ास तौर पर मैदे में जो ग़िज़ा को हज़म नहीं कर पाता और आंतों से खारिज करने में इसे दुश्वारी होती है। आंतों का निज़ाम सुस्त हो जाता है तो कब्ज़ जैसा मूजी मर्ज पैदा हो जाता है। इसके लिए या तो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं या फिर इसबगोल। इसबगोल से तकरीबन हर शख्स वाकिफ है, बड़ी मशहूर आम दुआ है। इसबगोल एक बीज है जिसका पौधा 1 गज़ के करीब ऊंचा होता है। इसकी टहनियाँ बारीक होती हैं और पत्ते लंबे यानी जामन के पत्तों से तकरीबन मुशाबा होते हैं। इसका रंग सुर्खी माइल सफ़ेद और स्याह हो सकता है। ये बेजायका और लुआबदार होता है। इसका मिजाज सर्द और तर होता है। इसकी मकदार खुराक 3 माशा से 1 तोला होती है। इसबगोल के छिलके को सबूब इसबगोल भी कहते हैं। इसबगोल की नुमाया फ़ायद में तबीयत की गर्मी और प्यास की शिद्दत में तस्कीन पहुँचाना शामिल है। गर्मी के बुखार और खून के जोश को तस्कीन देकर तबीयत को नरम करता है और इसके अलावा दमा की बीमारियों के लिए भी मुफीद है। आंतों, जख्मों और मरोड़ होने की हालत की दुरुस्ती के हवाले से इसे शाफी पाया गया है, इसलिए इसे शरबत संदल में 1 बड़ा चम्मच डालकर पिलाना मुफीद होता है। कब्ज़ कुशा है, मिलियन असास के बायस आंतों में फिसलन पैदा करता है, इसलिए रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध में 1 चम्मच इसबगोल का छिलका मिलाकर 3-4 मिनट के बाद इस्तेमाल करने से खुलकर अजाबत होती है। ये दायमी कब्ज़ में भी मुफीद है, मर्दाना जोहर को गाढ़ा करता है और कुव्वते बाह को भी बढ़ाता है। इसके अलावा सर दर्द की सूरत में इसबगोल सिरका में रगड़कर चंबेली का तेल मिलाकर पेशानी पर लेप करने से भी फ़ायदा हासिल होता है। अगर चंबेली के रोगन के बजाय बादाम रोगन मिलाकर लेप लिया जाए तो फौरी अफाका होता है। जरियान में इसबगोल का छिलका हमरा शरबत बजूरी यह संदल के सुबह निहार मुँह पीना फ़ायदेमंद है। दिमागी ताकत बढ़ाता है। दिमागी काम करने वालों के लिए ज़रूरी है कि रात को सोते वक्त 5 दाने गिरी बादाम चुबाकर खाएं और बाद में 1 तोला इसबगोल दूध में मिलाकर पिएं। ये मकवी दिमागी नुस्खा है। इसके अलावा नसियान के अमराज में इसबगोल का 1 बड़ा चम्मच हमरा शरबत संदल सुबह निहार मुँह पीना बेहद मुफीद है और रात को सोते वक्त 5 दाना गिरी बादाम, सौंफ 1 तोला कूजा मिश्री हसबे ज़रूरत हमरा दूध इस्तेमाल करें। मुंह के दानों की तकलीफ़ में इसबगोल का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। वर्मों को तहलील करने के लिए इसबगोल को सिरका में रगड़कर मुतासरा जगह पर लेप करना बेहद मुफीद है। पेचस में इसबगोल 1 तोला पानी के साथ खाने से फ़ायदा होता है। तुजाक में इसबगोल को पानी या शरबत के हमरा चंद योम तक इस्तेमाल करने से शिफा होती है। मैदे की बीमारियां ख़ास तौर पर अल्सर में बेहद मुफीद है। बालों को नरमी चमक दिलकशी के लिए अरके गुलाब में थोड़ा इसबगोल रगड़कर बालों पर लेप करने और 2 घंटों के बाद धोने से फ़ायदा होता है। ये इलाज मौसम गर्मा के लिए है। खुश्क खांसी और दमा के लिए रोज़ाना 1 तोला इसबगोल दूध या पानी के साथ 40 रोज़ तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अफाका होगा। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करें और चाहें तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।